दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी YouTube शॉर्ट वायरल करने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई होंगी। आपको मैं ऐसी तीन ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी YouTube ओपन करना है। जैसे ही आप अपने YouTube को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे आपको शॉर्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा नीचे। उस शॉर्ट वाले आइकन पर आपको जैसे क्लिक करोगे आपको आपकी जो गैलरी की जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि देख सकते हो मैंने अपनी गैलरी को ओपन कर लिया है। इसमें से मैं आप एक अपनी जो शॉर्ट है मैंने बनाई थी उसको मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसमें से एक वीडियो को सेलेक्ट करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो की जो प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। आपको ये प्रोसेसिंग पूरी होने देनी है। पूरी होने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐड टू म्यूजिक का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अगर आप अपनी शॉर्ट में कोई भी म्यूजिक लगाना चाहते हो तो म्यूजिक लगा सकते हो। अगर मुझे नहीं लगाना है तो मैं बैक आ जाता हूँ, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ये जो वीडियो के ऊपर जो रूल वाला ऑप्शन है, रूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो का ऐसा अट्रैक्टिव फोटो छांटना है जो कि हर कोई देखकर आपकी वीडियो की ओर आए, आपके वीडियो को देखे। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो का एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने देख सकते हो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे आता है टाइटल। टाइटल आपको एक वीडियो का एक अच्छा सा टाइटल बना देना है। जैसे कि मैंने लिखा है चाइल्ड डेंजर कार। अब इस वीडियो को हर कोई देखेगा कि कैसी डेंजर कार है। तो उसके बाद आपको हैशटैग लगा देने दो, सबसे पॉपुलर हैशटैग है जो शॉर्ट वीडियो और वायरल शॉर्ट। इतना करने के बाद आपको अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी आ जाना है अपनी YouTube स्टूडियो पर। YouTube स्टूडियो को जैसे ही ओपन करोगे आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको आपके सामने आपकी जो वीडियो आपने अभी अपलोड की थी उसे आपको ओपन करना है। जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करोगे एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ये जो टाइटल है इस टाइटल को कॉपी करके आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करोगे आप, पेस्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप टाइटल के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में और कुछ नहीं डालना है। सिर्फ टाइटल ही होता है जो शॉर्ट को वायरल करने में काम आता है। डिस्क्रिप्शन में लिखने से कुछ नहीं होता है, हैशटैग वगैरह कुछ नहीं होता है। आपको उसके बाद आपको आना है, आपको नंबर पर जो विजिबिलिटी ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और आप वीडियो को आपको पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपको जो रियल टाइम जो लिखा हुआ है ये वीडियो इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी वीडियो से संबंधित कोई वीडियो है तो उसे आप लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसी रिलेटेड वीडियो नहीं है, बैक आ जाता हूँ। जैसे ही मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू प्ले लिस्ट। आपको प्ले लिस्ट लगानी है। मेरी पहले से ही प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैं तीन प्ले लिस्ट लगा देता हूँ। अगर आपको प्ले लिस्ट बनाना नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है जिससे आप देखकर प्ले लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद आपको टैग टू शॉर्ट पर क्लिक करना।